Hey guys, welcome back to the channel. मैं हूं अमन और आप देख रहे हो सैम स्ट्रॉलर। सो गाइज, आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बिहार के उन चुनिंदा प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आने वाले समय में बिहार की छवि और तस्वीरें बदल कर रख देगी। वैसे तो कई सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं बिहार में, लेकिन आज मैं आपको उनमें से टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज, चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, बात करूँ बिहार के सबसे बड़े और सबसे चहेते प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट, जो कि बिहार की राजधानी पटना में बनाए जा रहे हैं। और ये 32.91 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 13,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं और इसे दो फेज में पूरा किया जा रहा है। फर्स्ट फेज दानापुर कैंट टू खेमनीचक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, वहीं सेकंड फेज पटना जंक्शन टू न्यू ISBT तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फेज यानी रेड लाइन 16.86 किलोमीटर का होगा, जिसमें 14 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं ब्लू लाइन 14.05 किलोमीटर का होगा, जिसमें 14 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने वाले हैं। और गाइस, सबसे पहले मेट्रो की जो शुरुआत हो रही है वो प्रायोरिटी कॉरिडोर, जो कि मलाई पकड़ी टू न्यू ISBT तक 5 मेट्रो स्टेशन पर शुरू किया जाना है और ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज, अब बात करते हैं सेकंड मेगा प्रोजेक्ट, जो कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, जो भारत के 3 राज्य UP, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर गुजर रहा है, जिसकी लंबाई 519 किलोमीटर की होने वाली है और इसे भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंडर डेवलप किया जाना है। और मैं आपको बता दूं कि इसे 4 लेन का बनाया जा रहा है, जो कि यूपी के गोरखपुर, देवरिया, खुशीनगर तक 84 किलोमीटर, वहीं बिहार के 9 जिले ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मोतिहारी, सुपौल, फॉरबेसगंज, किशनगंज तक 416 किलोमीटर लंबा होगा। और किशनगंज से आगे बढ़कर ये पश्चिम बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी तक ये 19 किलोमीटर लंबा होगा। और इस एक्सप्रेसवे पर करीब 32,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 2025-26 तक तैयार कर लिया जाना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं थर्ड मेगा प्रोजेक्ट की, जो कि एक और एक्सप्रेसवे के बारे में है, और वो है रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे। और गाइस, ये बिहार के लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके बनने के बाद बिहार की कनेक्टिविटी सीधा वेस्ट बंगाल के हल्दिया पोर्ट से हो जाएगी और इसकी लंबाई करीब 695 किलोमीटर होगी और ये भारत के 3 राज्य बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरेगा। और सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि ये एक्सप्रेसवे बिहार के हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट तो होगा ही, साथ ही ये 4 और 6 लेन का भी बनाया जा रहा है। और इतने बड़े प्रोजेक्ट से ना सिर्फ बिहार, झारखंड बल्कि नेपाल को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है और इस प्रोजेक्ट पर 54,000 करोड़ रुपए खर्च होने की अनुमान है। तो गाइज, अब बात करते हैं फोर्थ मेगा प्रोजेक्ट की, जो कि नालंदा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में है और ये बिहार के नालंदा जिले में बनाया जा रहा है और आने वाले समय में बिहार स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बड़ा छलांग लगाने भी जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है और कोई पॉलिटिकल इशू नहीं आती है तो बिहार में भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। और गाइस, क्रिकेट ही नहीं बल्कि कई सारे स्पोर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, साथ ही यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स, कैफेटेरियाज, मोटिवेशन सेंटर, स्विमिंग पूल वगैरह देखने को मिलेगी। और इस क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 45,000 लोगों के बैठने की भी सुविधा होगी। और मैं आपको बता दूं कि इसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की तरह ही बनाया जा रहा है, जिस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो गाइज, अब बात करते हैं पांचवें मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि विराट रामायण मंदिर है, जिसे बिहार के पूर्वी चंपारण चकिया केसरिया नगर के नजदीक जानकीपुर में बनाया जा रहा है। और गाइज, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, जिसे पटना महावीर मंदिर द्वारा बनाया जा रहा है। इस मंदिर को कंबोडिया के अंकुरवाट मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है, जो कि 200 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है, पर यहाँ विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग को स्थापित करने की योजना है। तो गाइज, आइए अब बात करते हैं छठे मेगा प्रोजेक्ट, जो कि पटना के गर्दनीबाग में बनाया जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा गांधी जी को समर्पित बापू टावर के बारे में है, जो कि 120 फीट ऊंचा होगा, जिसमें महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी तमाम स्मृतियों को दिखाया जाएगा। साथ ही गांधी जी से जुड़ी तमाम हिस्ट्री आपको यहां देखने को मिलेगी, जिसे ऑडियो वीडियो विजुअल के थ्रू दिखाया जाएगा। और 7 एकड़ में फैले इस बापू टावर में कई सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। वहीं इस टावर के पीछे काफी सुंदर पार्क भी बनाए जा रहे हैं। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं सातवें मेगा प्रोजेक्ट की, जो कि कच्ची दरगाह विदुपुर ब्रिज के बारे में है और इसे पटना के कच्ची दरगाह से लेकर हाजीपुर के विदुपुर तक बनाया जा रहा है। 6 लेन ब्रिज की कुल लंबाई 22.5 किलोमीटर की है और ये देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज होगा, जिस पर
3100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और गाइज ये जो ब्रिज है ये दो NH 31 को NH 322 से जोड़ेगा और इस 6 लेन ब्रिज पर पैदल और साइकिल से चलने वाले यात्रियों के लिए भी अलग से लेन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का काम भी अब काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है और आई थिंक 2024 मिड तक इसे कम्प्लीट कर लिया जाएगा। तो गाइज अब बात करते हैं 8वें मेगा प्रोजेक्ट की जो कि बिहार की राजधानी पटना में ही बनाया जा रहा है। विश्व स्तरीय अस्पताल PMCH के बारे में है। आपको मैं बता दूं कि पटना के PMCH बिल्डिंग को नए सिरे से बनाने का काम काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है जिस पर 5,540 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं और इसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने की तैयारी चल रही है जिसमें एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा होगी। साथ ही ये हॉस्पिटल बेड के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा जिसमें 5,462 बेडों की सुविधा होगी और ये बिहार के लिए काफी गर्व की बात है। वैसे पहला स्थान 10,000 बेड के साथ ताइवान के हॉस्पिटल का है और मैं आपको बता दूं कि इस अस्पताल के फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने का टारगेट दिसंबर 2023 तक रखा गया है जिसमें 2,000 बेड को तैयार करना है और आई थिंक ये काम दिसंबर या मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी गाइस इस हॉस्पिटल के बनने के बाद एक ही छत के नीचे मेडिकल से जुड़ी सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी जिसका सीधा लाभ यहाँ इलाज कराने आ रहे पेशेंट को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं 9वें मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो कि पटना के ही राजेंद्र नगर में बनाया जा रहा APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी के बारे में है जो कि देश का सबसे बड़ा साइंस सिटी होगा जिसे मोइनुल हक स्टेडियम के बगल में 20 एकड़ जमीन पर तैयार किया जा रहा है और इसे बनाने में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका निर्माण फ्लाई एलिफेंट कंपनी करवा रही है जिसे दिसंबर 2023 तक तैयार कर लेना है। और गाइज इस साइंस सिटी में स्पेस एस्ट्रोनॉमी गैलरी, सस्टेनेबल प्लैनेट गैलरी, बेसिक साइंस गैलरी में करीब 60 प्रदर्शन लगाए जाने हैं। साथ ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम, कार्बन फुटप्रिंट, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और स्कूली सिलेबस से संबंधित सिद्धांतों को प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाया जाएगा जिससे बिहार के लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और अधिक जानकारी, नई नई चीजों के बारे में भी सीखने को मिलेगा। तो गाइज अब बात करते हैं बिहार के 10वें मेगा प्रोजेक्ट जो कि पटना रिंग रोड के बारे में है। तो गाइज बिहार की राजधानी पटना को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए और ग्रेटर पटना बसाने के लिए भी पटना रिंग रोड का निर्माण करवाया जा रहा है जो कि करीब 140 किलोमीटर लंबा 6 लेन आउटर पटना रिंग रोड होगा। फिलहाल पटना रिंग रोड पैकेज 1 में रामनगर से कन्हौली तक 6 लेन रोड का काम चालू है। वहीं पैकेज 2 में गंगा नदी पर दिगवारा शेरपुर पुल करीब 15 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। इसके अलावा बेटा सरमेरा रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। वहीं कच्ची दरगाह विदुपुर से भी ये कनेक्ट होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं जिसके बाद पटना के किसी भी क्षेत्र से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो गाइज ये थे बिहार के कुछ टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी कई सारे बेहतरीन प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है लाइक पटना मरीन ड्राइव या JP गंगा पाथवे जो कि पटना की एक पहचान ही बन गया है जो पटना के दीघा से लेकर दीदारगंज तक बनाया जा रहा है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल भवन, न्यू MG सेतु ब्रिज, वाराणसी टू कलकत्ता एक्सप्रेसवे, दरभंगा एम्स, पटना गया डोवी 4 लेन, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और भी कई सारे एक्सप्रेसवे हैं। साथ ही ब्रिज और मॉल भी बनाए जा रहे हैं। आने वाले 2-3 सालों में आपको बिहार में कई सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं और कई सारी कनेक्टिविटीज के साथ बिहार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी आगे निकलने वाला है। वैसे अभी भी बहुत सारा काम बिहार में होना बाकी है खास करके इंडस्ट्री के क्षेत्र में। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना उसके आसपास की तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।